नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये दुबई लेबर लॉ के बारे में। जी हाँ, ये जानकारी आप लोगों को जरूरी भी होना है। बाकी मैं बता दूँ, हर इंसान की ये प्रॉब्लम आती है। एग्जांपल के तौर पे आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से यूएई गए हैं जॉब के लिए, तो सीधा मोटा मोटी बात करें तो 2 साल का अग्रीमेंट होता है। कई कंपनियां 3 साल का कर लेती हैं, लेकिन 80% 2 साल के अग्रीमेंट में आपको रहना होता है। भाई 2 साल तक आपको कंपनी में जॉब करना होता है, 2 साल का वीज़ा होता है। उसके बाद चाहो तो आप रिन्यू कर सकते हो, चाहो तो आप फिनिश आ सकते हैं अपनी भाषा में, या कैंसिल करके इस्तीफा दे के कैसे भी आप इंडिया अपनी कंट्री वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों के साथ कि कंपनियां कई बार टाइम पूरा होने के बावजूद भी छुट्टी पे नहीं भेजती। जी हाँ साथियों, आपने सुना होगा कि भाई आपको 1 साल हो गए जॉब करते हुए, 15 महीने 16 महीने हो गए, आपको घर में इमरजेंसी है, लेकिन कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही है। उस दौरान आप क्या करें, क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, दुबई लेबर लॉ 1980 क्या बोलता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 2 मिनट में पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। मान लीजिए आप देखिए, हक क्या होता है, दुबई लेबर लॉ 1980 में 78 का जो एक्ट है उसमें ये लिखा है कि भाई 1 साल से हक ये होता है कि 1 साल से आपको 1 महीने की छुट्टी प्लस आपको टिकट, ये कंपनी का फर्ज बनता है कि वो आपको दे। उसके बावजूद भी कई कंपनियां होती हैं कि कई क्या 80% कंपनियां बता दूं ये काम नहीं करती हैं। जी हाँ, 2 साल से पहले छुट्टी देने का तो चांस ही नहीं होता, 2 साल से दे दे तो भी ठीक है, लेकिन कई कंपनियां 2 साल से भी नहीं देती हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सर 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 24 महीने हो गए, कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है। छुट्टी का नाम लेते हैं तो बोलती है कि फिनिश कर देंगे आपका वीज़ा, ख़त्म करके आप जा सकते हो, आप इस्तीफा दे के जा सकते हो, हम कंपनी से निकाल देंगे वगैरह वगैरह, कंपनी की तरफ से धमकियाँ मिल जाती हैं। लेकिन देखिए, लेबर लॉ 1980 की धारा में क्या बताया गया है, मैं बता दूँ कि कंपनी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है, आपको 2 साल हो गए काम करते हुए, फिर आपको इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ये बोलती है कि भाई हम आपको इंडिया नहीं भेजेंगे, हमारे पास काम ज़्यादा है, कंपनी का हित है, कंपनी का काम लोड होने की वजह से आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा। उस दौरान देखिए, एक हक ये बनता है छुट्टी दे, फिर भी चलो आपकी तरफ से दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि भाई चलो कंपनी ये बोलती है आपको 6 महीने बाद भेज देंगे, 6 साल पर बाद आप दोबारा चले जाना या डबल छुट्टी पे भेज देंगे, ऐसा कुछ आपका समझौता हो जाता है। उस दौरान देखिए, 1 साल के बाद में क्या होता है कि 1 महीने की छुट्टी, तो उसमें फर्ज ये बनता है कंपनी आपको डबल तनख्वाह दे, वो आपको, क्योंकि कंपनी ने छुट्टी नहीं दी। 2 साल से भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी, मान लीजिए आप 2 महीने की छुट्टी आ रहे हो, तो कंपनी का ये फ़र्ज़ बनता है कि काम करने के साथ कंपनी ये बोल देती है भाई हम आपको सैलरी डबल दे देंगे उस 2 महीने के दौरान, ठीक है, या फिर आपका बोनस आपका है, आपका ओवर टाइम है, उसको हम बढ़ा के दे देंगे, ऐसा कुछ आपके साथ समझौता हो जाता है। ये हो जाता है तो आप उसमें भी मान लेते हैं, लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी अगर कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे तो बिल्कुल ये कंपनी की दादागिरी जिसको बोल सकते हैं, कंपनी की गलती है। दुबई लेबर लॉ के हिसाब से कंपनी गैरकानूनी काम कर रही है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, दुबई लेबर लॉ के माध्यम से, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया, 2 साल के बाद आप ये एक्शन ले सकते हैं अगर छुट्टी नहीं दे तो। दूसरी, आपको लगता है कि यार चलो घर पर नहीं जाते हैं, कंपनी आपको एडजस्टमेंट कर लेती है, तो आपको सैलरी उस 2 साल में, आप 2 महीने आप अपने घर जाके आ रहे हो, उसमें डबल सैलरी का हक बनता है, आपका बोनस डबल का हक बनता है, ठीक है। आपका जो टिकट का पैसा है, आप जाओगे तो कंपनी टिकट का पैसा देगी ना, वो आपको टिकट का पैसा कंपनी को देने का हक बनता है, ये सिस्टम है। तो भाई आप अगर यूएई में जॉब कर रहे हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति है, तो आप ये कानूनी रास्ता कर सकते हैं। एक तो मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शनों में से जो अच्छा लगे आप दोनों कर सकते हैं। इंडिया आना है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं बाकायदा धमकी, धमकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप लिखित में मेल करिए ऑफिशियल मेल पे, ठीक है, उससे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप इंडिया आप सोचते हैं भाई चलो नहीं जाते हैं हम, यहाँ पे सैलरी आपको जो है वो डबल करके मिल जाती है, बोनस वगैरह सैलरी वगैरह यात्रा भत्ता टिकट का पैसा मिल जाता है, तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कौन सी स्थिति में आपको बेहतर लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फैसला ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।